श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज की कहानी में ही एक और जो तथ्य है उन्होंने सामने रखा था, वह था चंदन का। यानी जो हम चंदन खरीदते हैं, जो शुद्ध चंदन है, उसे हमें किस प्रकार से लगाना चाहिए। जब कुब्जा और भगवान श्री कृष्ण का मिलन हुआ, उस वक्त उन्होंने कुब्जा को विश्व सुंदरी बना दिया, बहुत सुंदर बना दिया। तब उसके हाथ में जो चंदन था, उसने उस चंदन को भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के मस्तक पर लगाया। उसके साथ ही जो उनके साथ जितने भी ग्वाल वाले आए थे, सभी के मस्तक पर लगाया। और वहाँ से शोर मचाती हुई चल दी कि मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो, मथुरा नरेश की जय हो। जब वह राजमहल में पहुंची तो कंस ने पहले तो उसे पहचाना नहीं। जब उसका परिचय मिला तो बोले, कुब्जा आज जो चंदन है वो लेकर के आए हो या नहीं? तब कुब्जा ने कहा कि हाँ, मैं चंदन लाई हूँ, और वही चंदन लाई हूँ जो मैं भगवान श्री कृष्ण के मस्तक पर लगा करके आई हूँ। तो उसने उस चंदन को ठोकर मारी, उसे नीचे गिरा दिया और फिर पैरों से कुचल दिया। तब कुब्जा ने कहा कि ठीक है, तुमने आज इस चंदन का अपमान किया है, जैसे आज चंदन पैरों के नीचे कुचला है तुमने, वैसे ही तुम भी जल्दी ही कुचले जाओगे। और यही हुआ कि उसके बाद कंस की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि आप चंदन कभी भी लेकर के आइए, कुछ भी पहले भगवान को अर्पित कीजिए, उसके बाद अपने मस्तक पर लगाइए, इसे सीधे प्रयोग नहीं करिए, क्योंकि कहा जाता है कि इसमें कुब्जा का श्राप छिपा हुआ है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।